ही ਵੱਧਦਾ ਵਾ ਤੇ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਵਾ 200 ਸੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੋ ਸਮਝ ਸਕਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਬੀਪੀ 200 ਸੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਬੁਖਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸਥਮਾ ਵਾ ਤੇ ਪੰਪ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਫਿਰ ਆਪ ਪੰਪ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ठीक है इनकी हम गवाही सुनते हैं बोले गए इन्हें माइक दो जैम सिरी बाबा जी जैम सिरी मम्मा जी नू ते जैम सिरी सारे कलीसिया नू ते परमेश्वर जी का धन्यवाद कर दिया क्या नाम है आपका बलजिंदर तो आपने ये लिखवाया है कि आपको अस्थमा की प्रॉब्लम थी हाँ जी बाबा जी कितने समय पहले ये हालात आपके ऊपर आया पापा ये आए तो 3 साल पहले 3 साल पहले आया हाँ जी जब 3 साल पहले जो आपको अस्थमा हुआ तो फिर आप क्या करते थे पापा ये पहले तो सारी प्रॉब्लम होती थी तो फिर हॉस्पिटल चेक करवाया ही बुखार सी तो वो कहते कि अस्थमा वा तो पंप मतलब कि इस्तेमाल करना पड़ेगा फिर आप पंप इस्तेमाल करने लगे हाँ जी ठीक है कितना चिर आपने पंप इस्तेमाल किया पापा जी बस 1 महीना ही शायद 1 महीना इस्तेमाल किया हाँ जी जहाँ पे आपको आते हुए कितना टाइम हो गया पापा जी 3 साल हो गए 3 साल ही हो गए हाँ 3 साल पहले ही आपको ये रोग आया और 3 साल पहले ही आपने यहाँ पे शुरू किया हाँ जी पापा जी जो ये प्रॉब्लम आई थी उस तो बाद ही मैं शुरू करता था जब ये प्रॉब्लम आई उसके बाद आप यहाँ पे आए हाँ जी तो यहाँ पे जब शुरू किया तो फिर आपने यहाँ पे आकर श्वास किया तो वो फिर जो पंप था 1 महीना आपको लेना पड़ा उसके बाद क्या हो गया छोड़ दी छूट गया हाँ ठीक है आगे बताओ पापा जी उदो ते मैं मतलब कि पहले ते 2 कदम भी नहीं सी चल पाउंदी हुंदी सी ते बाद विच पंप जदों छड़ दित्ता सीगा ते फिर भी मैं मेडिसिन उस हिसाब नाल नहीं खांदी जिस तरह मतलब कि एक रेगुलर ही खानी पैंदी आ ते पापा जी कदी कदी मतलब कि वह हालात फिर आउंदा ही मेरे ते कि एकदम ही रेशा बन जांदा ही शां-शां दी अंदरों आवाज आउंदी ही ते मतलब सार रुकन लग पैंदा ही सार रुकने लगता है हाँ जी फिर इसके लिए आप मेडिसिन खानी पड़ती थी हाँ जी पापा जी ठीक है और आपने ये भी लिखाया कि इसके साथ साथ आप जब मेडिसिन भी खा रहे थे तो पंप तो आपका शूट गया हाँ पर जब भी आप नहाने के लिए जाते थे तो आपको डर लगता था हाँ जी पापा ये मेनू नहाने लग्या में डर लगता ही मेनू बाथरूम जान लग्या में डर लगता ही मेनू टॉयलेट जान लग्या में डर लगता ही इतों तक करके मेनू कुछ खान पीन लग्या में डर लगता ही कि मैं कुछ खाऊंगी तो फिर उस तरह ही मेनू होगा वही प्रॉब्लम वही हालात में ते फिर आऊंगा अच्छा ऐसे मैंने मन में आ रहे थे कि ऐसा ना हो कि मुझे फिर हॉस्पिटल में जाना पड़े हाँ जी पापा जी ठीक है फिर पापा जी मतलब कि मैं मतलब जिस तरह की किसी ने भी जिंदगी कोई हालात होना सब नु पता होगा कि जिन्हों का बीपी वादा वा ते 200 तो ऊपर हो जावे ते इंसान का की बनना वा फिर आपका बीपी भी बढ़ने लगा पापा जी मेरा बीपी नाल ही बढ़ जाता ही जब आपको ये डर लगता था जब नहाने जाते थे हाँ जी जहाँ कुछ खाते भी थे हाँ जी टॉयलेट जाते तो आपको डर सा लगता था उस डर के कारण आपका बीपी कितना हो जाता था 200 तो भी ऊपर 200 से भी ऊपर हो जाता है तो समझ सकते हैं जिसका बीपी 200 से ऊपर हो जाए समझ आ रही है आपने ये भी लिखाया कि आपके अंदर से कुछ ऐसे आवाजें आती थी हाँ जी वो क्या आवाजें थी जो आपके अंदर से ऐसे जैसे कोई आपको आवाजें देता है पापा जी जदों मैं कल्ली घर होनी ही तो उदो मेरे अंदरों यही चीज की आवाज होनी ही कि हुण तो तू बिल्कुल कल्ली आ ते हुण वेखी तेरे नाल की होऊगा हुण एकदम ही मतलब कि वो हालात फिर तेरे आऊगा तू खत्म आ बस हुण अच्छा हाँ जी फिर जब ज्यादा हो जाता तो फिर आपको कोई ट्रीटमेंट करवाना पड़ता को इंजेक्शन वगैरह भी लगाने पड़ते थे हाँ जी पापा जी जब ज्यादा हो जाता था हाँ जी फिर आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ता हाँ जी पापा जी जो इस तरह हालात होना ही
ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਂ ਬੀਪੀ ਦੀ ਸਾਂਸ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਬੀਪੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਤੇ ਸਾਹ ਵਾਲਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਛਾਤੀ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ अच्छा वो डॉक्टर कहते हैं आपकी छाती पूरी तरह जाम होगी जाम होगी इसलिए आपको सांस नहीं आ रही। हाँ जी पापा जी इतों तक कि मेरे ते, ते दो तीन बारी ये हालात इस तरह आया ही गा क्योंकि मेरी पोटी भी विच निकल गई ही ते शुशु भी विच निकल गया। समझ आ रही है देख लो बोल गए ये कितनी समस्या में थे। ते पापा जी मैं फिर आपने इसके लिए क्या किया फिर बाद में जब ये हालात इतना ज्यादा बढ़ गया आपका। हाँ जी बाबा जी मतलब इन्ना हालात किसी दे भी आवे ते उन्हों ते हमेशा सब हॉस्पिटल च एडमिट करवा देंदे आ पर परमेश्वर ने मैनू इन्ना संभाल के रखा है कि सिर्फ एक ही खुराक खानी आ ते एक बारी इंजेक्शन लगवा लिया वा ते ठीक आ उसे टाइम ही मैं ठीक हो जांदी क्योंकि मैं परमेश्वर नू ही नाल नाल याद रखदी। इस दुख में भी आप परमेश्वर के साथ बने रहे और चर्च आते रहे। हाँ जी पापा है ना इस दुख में भी आप परमेश्वर के साथ बने रहे और चर्च आते रहे। हाँ जी पापा। फिर उसके बाद आपने लिखवाया कि आज से पिछले साल 1 मई 2023 विच जो जब हालात आया क्या आया बोलो हालात आया जब यहाँ पे आप थे। हाँ जी पापा है ना तो तब उस समय आपकी ले हैंड हुई। हाँ जी पापा जी। तो वो ले हैंड का सीन है। हाँ ठीक है उस ले हैंड का सीन देखते हैं। और जब ले हैंड हुई तो उसके बाद उस तो बाद अभी पापा ही ले हैंड मतलब कि दो तीन वारी हुई है ले हैंड। ओके हाँ जी ते मगर वो फिर भी हालात होना ही मतलब फिर से ठीक हो जाता फिर आ जाता दोबारा दोबारा। हाँ जी पापा जी पर उस वक्त अंदरो एक परमेश्वर की आवाज भी जड़ी सी वो भी पता लगती है कि वचन च वध वचन च वध। हाँ जी मतलब अंदर से आवाज आती थी परमेश्वर की ओर से तू वचन में बढ़ जा मतलब वध जा। हाँ जी पापा जी ठीक है फिर आ गई। फिर पापा जी जदों मतलब कि इस तरह ही चलता रहा पर मैं टूटी नहीं क्योंकि मैनू पता ही कि मैनू संभालन वाला परमेश्वर आ ते मैं कभी भी ये चीज नहीं सोची ही कि मैं छोड़ दूंगी। पापा जी मना करने वाले ते बहुत सीगे ते पर मैं टली नहीं इस चीज तो। अच्छा मना करने वाले कि तुम चर्च तो जा रहे कुछ हो तो नहीं रही फायदा तो कुछ हो नहीं रहा तो लोग मना करते क्या फायदा जाने का। हाँ जी पर आप सच्चाई समझ गए थे सच्चे परमेश्वर को जान चुके थे। हाँ कि आप उसके अलावा कोई दूसरा तो है नहीं जिसके पास मैं जाऊं। हाँ क्योंकि आप सच्चाई को समझ चुके थे ना। हाँ पापा ये बड़ी जरूरी है क्योंकि अगर सुनो मेरी बात जैसे आ तो रहे थे बोलो क्या तुम जो ज्यादा हिलाता पहले पंप लगा वो छूट गया बोलो क्या। जब शुरुआत में 3 साल पहले चर्च आए तो एक महीना पंप लिया वो पंप तो छूट गया पर हालात फिर से दोबारा से आ रहे थे। क्या रहा था हालात दोबारा से फिर से इस पे आ रहे थे। कई बार इसकी सांस बंद हो जाती फिर इसको मेडिसिन लेनी पड़ती थी इंजेक्शन तब जाके इसकी सांस सही होती थी पर ये बनी रही। क्या रही बोलो बनी रही। लोग इसे बोल रहे थे कि क्या फायदा तो ठीक ठुक तो हो नहीं क्या फायदा जाने का। अगर इसने उस सच्चे को ना जाना होता बोलो क्या इस फ्राइडे की मीटिंग को कितने लोगों में इन्हें देखा आप में से कितने लोगों ने देखा है। फ्राइडे की मीटिंग इस शाम को मीटिंग मतलब समझ लिया ना जो मैसेज था इस फ्राइडे को शाम को जो 8 बजे आपके लिए पर्सनल स्पेशल शिक्षा दी जाती है आपको कितने लोगों ने सुनी है। परमेश्वर तुम बड़ी बुद्धि ते बड़ी समझ ते बड़िया बरकतां देवी मैं चंगा ही अंगीकार करांगा क्योंकि उसमें उस शिक्षा का थंबनेल था
प्रार्थना करने से, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने से पहले उसे जानना जरूरी है। अगर इसने उसे ना जाना होता, क्योंकि जैसे मान लो अगर कोई की समस्या आए, जैसे तुम आ रहे हो तो हम कहते प्रार्थना करो प्रार्थना करो, पर अभी आपने उसे पूरी तरह से नहीं जाना। जैसे इसने जान लिया, हो सकता आज तुम अपने फायदे के लिए अपने काम के लिए प्रार्थना तो कर रही हो, जैसी भी आपकी वो जितनी भी समझ है, हो सकता कल को आपका काम ना हो तो शायद आप उसको छोड़ दो, हो सकता है। पर ये जब लोग कह रहे थे, रिश्तेदार कह रहे थे कि छोड़ दो, पर ये समझ चुकी थी कि वो एक ही है। बोलो कहें, अब उसके अलावा तो कोई और नहीं है। इसलिए इसने लोगों की बातों पर मन नहीं लगाया। किसके साथ लगाकर रखा? किसके साथ लगाकर रखा? किसके साथ लगाकर रखा? समझ आ रही है? कहते एक नहीं, तीन बार ले हैंड हुई, क्योंकि कई बार विश्वास नाम बनने के कारण भी क्या होता है, समझ आ रही है? पर इसने अपना भरोसा अपना विश्वास नहीं छोड़ा। आज बताओ अभी कैसे? पापा ही हूं ते बिल्कुल ठीक हूं। अब कोई डर तो नहीं लगता नहीं जब नहाने जाते हो? नहीं पापा। कुछ खाते हो, बीपी तो नहीं बढ़ता? नहीं पापा ही। हाँ नहीं, देख लो। अब कोई सांस नहीं चढ़ती? नहीं कुछ नहीं? नहीं। आज आपके सामने बड़ा जरूरी है कि अपनी टेस्टमनी को संभालना और उस पर वर्क करना, काम करना। एक तो टेस्टमनी को संभालना, अपनी गवाही को संभालना कि अगर परमेश्वर ने काम किया। जैसे एक 38 साल के रोगी को जब प्रभु ने चंगा किया तो उसने कहा, देख तू चंगा हो गया, अब कोई दोबारा पाप ना करना। आपको पता है इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है? क्या हो सकता है पाप इस दुनिया में? सबसे बड़ा पाप क्या है बताओ? बताओ तो सही जरा, क्या पाप है इस दुनिया में सबसे बड़ा? क्या पाप है? नहीं, कुछ नहीं बताओगे? बोल दो, झूठे, कोई चुगली, कोई निंदा, कोई लड़ाई, हां गालां कढ़निया, क्या हो सकता है सबसे बड़ा पाप? यीशु मसीह को एक व्यवस्थापक ने पूछा था, अगर तू गुरु तो बता व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? तो उसने कहा, तू जानता नहीं है, तू एक व्यवस्थापक है, लिखा तो है, अपनी सारी बुद्ध और जान से, समझ से, पूरी बुद्ध और जान से और बुद्ध से किसे प्यार कर, यही पहला हुक्म है, और दूसरा अपने गवांडी से प्यार कर, ये पहले आ गया है। और यही सबसे बड़ा पाप है जो लोग उस जिसने इस दुनिया को रचा और बनाया है जो उसे प्यार नहीं करते। समझ आ रही है? ये पाप है। इसलिए जो लोग वचन को पूरा नहीं ना करते वो पाप कर रहे हैं, अभी भी आकर भी पाप कर रहे हैं। चाहे वो मसीह में उन्होंने जान लिया, पर अगर वचन को नहीं पूरा कर रहे हैं तो उसे प्यार नहीं कर रहे हैं, उसकी मर्जी को नहीं पूरा कर रहे तो अभी भी वो पाप कर रहे हैं। पर इसने प्यार किया, क्या किया? फिर इसने प्यार किया उस खुदा को कि अगर उसने अपना जीवन मेरे लिए दिया, इतनी तकलीफ को सहा, उसने कोड़ों की मार सही, हाथों में की लिए, तो क्या वो परमेश्वर जिसने इतनी तकलीफ सहकर मुझे जीवन दिया है तो क्यों नहीं मुझे चंगा करेगा? क्यों जी? हाँ नहीं पापा जी, कुछ जो तुम सिखाते हो ते पापा जी ओ भी हमेशा मतलब कि अपने विच रख दिया, मतलब उसको मन में, जैसे वचन में लिखा मेरे वचन को दिल की पट्टियों पर लिखो, ये मन के अंदर रखती थी, फिर आप लगातार बने रहे। हाँ जी पापा जी, जब से जाना बने रहे। हाँ जी पापा जी, उसकी मर्जी को पूरा करते रहे। हाँ जी पापा जी, इसलिए जो फ्री होकर आपके सामने खुशी से गवाही दे, तारीफ करो जोर से। सारा जग वेखिया मैं, सारा जग वेखिया, सारा जग वेखिया मैं, सारा जग वेखिया, सारा जग वेखिया मैं, सारा जग वेखिया।
जेहा रब विखिया, नयस जेहा रब विखिया, नयस जेहा रब विखिया, नयस जेहा रब विखिया। खुशी से खुशी से सब अपने हाथों को हिला। बटे बटे मौजे विखा दिंदा है, ओ माँ के उत्ते फटे जिड़ा पाले।